सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर प्रतिनिधि मंडल ने सिकंदराबाद में MCEME का किया दौरा, कई परियोजनाओं को किया प्रदर्शित। मंत्री चीफ राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की पुणे पुलिस को चेतावनी, लाउडस्पीकर पर अजान बंद नहीं हुआ तो थाने के सामने बजेगा हनुमान चालीसा। भारत में कोरोना से हुए मौत के गलत आंकड़े बताने को लेकर WHO पर भड़के कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, कहा हम अपनी संख्या पर कायम। देश में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हुई, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। श्रीनगर में ड्यूटी पर जा रहा था पुलिसकर्मी, आतंकवादियों ने बरसा दी गोलियां, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुआ घायल। मुंबई के सांताक्रूज में LIC ऑफिस की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मेधावी छात्रों के लिए होंगी 2 अतिरिक्त सीटें, SIITE ने की घोषणा, दाखिले के लिए मापदंड तय। Xiaomi इंडिया को कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी राहत, प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर लगाई रोक, Xiaomi इंडिया अब अपने बैंक खाता से जुड़े रोजमर्रा के काम पर करेगी। असम ने लिया कमाल बना प्रेसिडेंट, कलर अवार्ड जीतने वाला देश का 10वां राज्य, पुलिस अधीक्षक श्वेतांग मिश्रा ने आनंद मिश्रा को सम्मानित किया। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला संविधान पी के हवाले, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ करेगी विचार। DGCA ने कंफर्म टिकट के बावजूद यात्रा से रोकने पर एयरलाइंस को चेताया, कहा सिविल एविएशन रेगुलेशन का पालन करें विमान कंपनियां। संस्कृत विवि भी कराएंगे BA BSc की पढ़ाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुविषयकीय केंद्र के रूप में तब्दील होंगे विश्वविद्यालय। किचन पर महंगाई की मार, LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, दिल्ली सहित तमाम शहरों में रसोई गैस महंगी हो गई है। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देर रात घर पहुंचे तेजिंदर बग्गा, कहा किसी से डरने वाला नहीं। आतंकियों की तरह घसीट कर बाहर लाए, पिता के साथ हुई मारपीट, गिरफ्तारी की कहानी तेजिंदर बग्गा की जुबानी। बरेली में पुलिस ने किया पैदल गश्त, जनता को कराया सुरक्षा का एहसास, मनचलों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चलाया व्यापक अभियान। बलरामपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, पूर्व सपा विधायक की अवैध संपत्ति जब्त। चंदौली में आप सांसद संजय सिंह का जुबानी वार, सीएम बुलडोजर की बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। चंदौली में मगरमच्छ ने बच्चे को दबोचा, हुई मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। ए
एटा में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा बना बंधक, दूसरी शादी का खुला राज, शादी में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। गाजियाबाद में पुलिस ने जनता को किया जागरूक, अपराधियों को पनाह देने पर कार्रवाई, अपराधियों की तैयार की गई सूची। उन्नाव में गंगा में डूबे 7 बच्चे, 3 को जिंदा बचाया, 4 के शव बरामद, परिजनों में मचा हड़कंप। नौ में दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के 3 मंत्री, अस्पताल में खामियां मिलने पर भड़के मंत्री। बलिया में स्वास्थ्य समुदाय का हाल बेहाल, ठेले पर मरीज ले जाने का वीडियो वायरल, संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ ही उठाए जा रहे जरूरी कदम। औरैया में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने परिजनों को दी सूचना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक की गोली मारकर हत्या की, एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गॉल ब्लैडर के 80% कैंसर के मरीज, गंगा घाटी में कानपुर से पटना तक मिलते हैं पित्त की थैली के मरीज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र के कार डिवाइस पर चढ़ी सीबीआई के हेड कांस्टेबल की मौत। बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे की 50 करोड़ से अधिक की संपत्तियां होंगी कुर्क, पुलिस तैयार कर रही सूची। अयोध्या के विकास कार्यों से सीएम योगी असंतुष्ट, कहा अधिकारियों के खिलाफ करेंगे कठोर कार्रवाई। गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू, मॉल और अपार्टमेंट बनवाएगा जीडीए। अच्छे बैक्टीरिया बचाएगा नवजातों की जान, सेप्टिसीमिया से हो रही मौतों में को रोक पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लगाया जाएगा पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना, वाराणसी में 15 से चलेगा अभियान। आईआईटी कानपुर ने अमेरिका के सहयोग से बनाया खास उपकरण जो 2 रुपए में शोधित करेगा जल। सड़क फुटपाथ पर अतिक्रमण तो नपेंगे, जेई और सुपरवाइजर सीईओ ने प्रशासन को दिया कार्रवाई करने का निर्देश। घुसकर दबंगों ने पहले की फायरिंग, फिर युवक को मारा चाकू, गाजियाबाद ने बहन से छेड़छाड़ का किया था विरोध। ₹50 बढ़ी रसोई गैस की कीमत, कॉमर्शियल सिलेंडर ₹9.50 सस्ता हुआ। तेल कंपनियों ने आम आदमी को दिया झटका, ₹50 बढ़ी कीमत, बरेली मंडल में देखिए घरेलू गैस सिलेंडर का दाम ₹1,018 हुआ। पॉलिटेक्निक छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगी पक्की नौकरी, लखनऊ में रोजगार मेले से होगा कैंपस सिलेक्शन।
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, हरदोई के एक ही परिवार के सात लोगों की मौत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला, बोले भाजपा शासन में पुलिस थाने बन गए हैं अपराध के अड्डे। यूपी में 23 पीसीएस अधिकारी आईएएस का प्रमोशन, रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति विभाग का प्रस्ताव। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वाराणसी में वकीलों ने कमीशन को मस्जिद के अंदर जाने से रोका। अखिलेश से नाराज और भाजपा से मायूस प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल ने किया पार्टी का पुनर्गठन, घोषित किए फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष। यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, पहले दिन 23,512 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। चार धाम यात्रा ने पकड़ी गति, अब तक 7,00,000 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। बद्रीनाथ आ रहे यात्रियों की सुरक्षा को व्यापक व्यवस्था, पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बाबा केदार के रक्षक भैरवनाथ के कपाट खुलने के साथ ही धाम में होती है आरती और नृत्य पूजाएं। मुंबई के एक यात्री की मौत, गंगोत्री यमुनोत्री में हृदय गति रुकने से अब तक 7 यात्री तोड़ चुके हैं दम। शंकराचार्य गद्दी के साथ तेल कलश यात्रा पहुंची पांडुकेश्वर, 8 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। मंत्री गणेश जोशी के अधिकारियों को दो टूक, कहा कागजी आंकड़े बंद किए, जमीन पर दिखाएं काम। उत्तराखंड कांग्रेस को झटका, आप में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट। परिसंपत्तियों के विवादों के निपटारे की कवायद के बीच कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला हमला, बताया उत्तराखंड के साथ धोखा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का भाजपा राज में जीवन असुरक्षित। देहरादून में ग्राफिक एरा टीम यूनिवर्सिटी में बना मोमो बनाने का रिकॉर्ड, 1 घंटा में 47 मिनट में तैयार किए 624 तरह के मोमो। फलों के जायके पर मौसम की मार, आम लीची की मिठास से कड़वाहट घोल रही तेज हवा और ओलावृष्टि। पहले ही दिन 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ी हेली सेवा, तो डीएम ने ली अधिकारियों की क्लास। एक महीने से कीमतों में कोई बदलाव नहीं, देहरादून में 103 रुपए में मिल रहा पेट्रोल। देहरादून में 4 व्यापारियों से 3 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपित गिरफ्तार, देहरादून समेत हरियाणा में दर्ज है कई मुकदमे। दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के शिखर पर चढ़ाई करने के दौरान भारतीय पर्वतारोही की मौत।
उत्तर कोरिया ने जापान सागर में फिर दागी मिसाइल परमाणु परीक्षण करने की जताई गई आशंका। इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व सहयोगियों पर उनसे अवैध लाभ लेने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के तीन प्रांतों पर छाए खाद्य संकट के काले बादल, खैबर पख्तूनख्वा में पानी की किल्लत। स्टील फैक्ट्री से निकासी के समय फायरिंग, यूक्रेन को 7 हाविट्ज़र तोपों देगा जर्मनी, अब तक 500 नागरिक निकाले जा चुके। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में जोरदार विस्फोट, 18 लोगों की गई जान, कई लोग लापता और बुरी तरह से घायल बता जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड एलिना का नाम यूरोपियन यूनियन की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल। श्रीलंका में एक बार फिर लागू किया गया आपातकाल, सरकार विरोधी प्रदर्शन से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने की घोषणा। विश्व में खाद और ईंधन के संकट को देखते हुए रूस के प्रतिबंधों से मिल सकती है राहत, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दिए संकेत। बोरिस जॉनसन की पार्टी को लंदन के निकाय चुनाव में मात्र विपक्षी दल लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ हासिल की जीत। दिल्ली में एनएससी के पूर्व प्रमुख रवि नारायण के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक, 4 सप्ताह में पूंजी नियामक के पास जमा करेंगे 5 लाख। पावर एक्सचेंज से बेची जा रहे सकेंगी विदेशी कोयले की महंगी बिजली, लखनऊ में उपभोक्ता परिषद ने की सीबीआई जांच की मांग। यान की कीमतों में बढ़ोतरी से गारमेंट निर्यात प्रभावित होने की आशंका, दिल्ली में यान के दाम में पिछले एक महीने से 10% तक का इजाफा हो चुका है। रिलायंस जियो के मुनाफे में 24% का उछाल, 4173 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इस अवधि में 3360 करोड़ रुपए था। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सालाना राजस्व 100 बिलियन डॉलर के पार, ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस। एलआईसी आईपीओ निवेशकों के लिए अच्छी खबर, रविवार को दिन भी एएसबीए की सुविधा वाले ब्रांच खुले रहेंगे। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, दूसरी तिमाही में मिल सकता है ज्यादा ब्याज। शेयर बाजार में गिरावट का असर, ग्रे मार्केट में एलआईसी आईपीओ का प्रीमियम रेट हुआ आधा। एलएनटी, इंफोटेक और माइंट्री का होगा आपस में विलय, टेक महिंद्रा को पीछे छोड़ बनेगी देश की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी। आरबीआई पूरे वित्त वर्ष में 0.75% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगा किया कर्ज। दिल्ली के खिलाफ मैच में दिखा भुवनेश्वर कुमार का जलवा, मेडन फेकन के मामले में भी गेंदबाज और फान पठान की बराबरी। केकेआर के पूर्व कोच ने बताया 2014 का किस्सा, साउथ अफ्फा आए और कहा सर प्लीज, गंभीर से बोले मैं ओपनिंग करूंगा।
मुंबई की जीत के बाद रोहित का विक्ट्री रन, रणवीर का सेलिब्रेशन और नताशा का उदास चेहरा। आखिरी ओवर में डेनियल साम्स ने ऐसे पलट दी बाजी, मुंबई को जिताने के बाद बोले स्लोअर गेंदे काम आई। केकेआर के कोच का पद छोड़ेंगे ब्रेडन मैकुलम, जल्द मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई की रोमांचक जीत, मुंबई के ब्रिवान स्टेडियम में गुजरात को मिली लगातार दूसरी हार। शुभमन गिल का खुलासा, अंधविश्वास था अगर सीनियर गुरकीरत मान के बल्ले से खेला तो खूब रन बनाऊंगा। चोटिल टाइमल, मिल्स की जगह स्ट्रीट टर्न स्टॉप्स मुंबई इंडियंस टीम में हुए शामिल। हैदराबाद के हार के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बदलाव, गुजरात अब भी टॉप पर बरकरार। टी20 क्रिकेट में तेज गेंदबाज खलील अहमद ने पूरे किए 100 विकेट, हैदराबाद के खिलाफ हासिल की उपलब्धि। बॉयफ्रेंड केएल राहुल नहीं बल्कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ शिफ्ट होने वाली है आदिया शेट्टी, शादी की खबरों पर भी तोड़ी चुप्पी। अनुपम खेर ने एसएस राजामौली के साथ साझा की ज्वाइंट फैमिली के बचपन की कहानियां, कहा कुछ अद्भुत बातचीत थी। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की भारत में बंपर ओपनिंग की तैयारी, विदेशों में कमाए 208 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ रहा कलेक्शन। अनेक को लेकर आयुष्मान खुराना ने कहा अपनी फिल्मों से देश को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। टीवी एक्टर मोहित मलिक बने रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 12 का हिस्सा, शो में पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे एक्टर। कियारा आडवाणी संग ब्रेकअप के बीच बंगाली एक्ट्रेस टीना साहा के साथ रोमांस करते नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो देख हैरान हुए फैंस। राष्ट्रभाषा विवाद में कूदे जावेद जौफरी, कहा अजय देवगन की तरह मुझे भी पहले लगता था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राणा दग्गुबाती की फिल्म विराट पर्वम का ऐलान, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शाहरुख खान के घर बड़ी हस्तियों ने की शिरकत, एक्टर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक्टर आमिर खान का बड़ा खुलासा, बोले 14 साल का संघर्ष पूरा। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।